अपने गुरु को याद करते हैं, हम लोग अपने गुरु को आदर करते हैं, याद करते हैं आज के दिन, जिसके कारण हम आज यहाँ खड़े हैं। क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं है, बिन गुरु ज्ञान कहां से पाऊं। ज्ञान चाहिए, प्रकाश चाहिए जीवन में, उजाला चाहिए, तो गुरु को बनाना होगा, गुरु को मानना होगा। पढ़े होंगे कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागू पाऊं, बलिहारी गुरु की जो गोविंद दिए बताए। वाह शाबाश। और आप लोगों को कभी कभी शिक्षक की बातें कड़वी भी लग जाती है, क्योंकि सत्य का एहसास वह कराता है, वह चाहता है कि आप सही रास्ते से चलें और अपने मंजिल तक पहुंचे। इसीलिए हम लोग, हम शिक्षक अपने आप को धन्य मानते हैं। यह सही है, यह पापी पेट का सवाल है, पैसे आपसे लेते हैं, लेकिन यह भोजन के लिए गुरु कुल की शिक्षा भी थी, वहां भी कृष्ण और सुदामा, राम लक्ष्मण सभी घर घर जाके चंदा इकट्ठा करते थे और लाते थे, और वहाँ गुरु और गुरु भी खाते थे और भी खाते थे। तो पहले से परंपरा नहीं है, गुरु से परंपरा नहीं है। इसकी वजह यह कि कहीं से गौरव भाव उत्पन्न नहीं हो, अहंकार नहीं हो। यह इसलिए भिक्षाटन करवाया जाता था प्राचीन समय में, ताकि बच्चों में अहंकार न हो। अहंकार आपको नाश कर देता है। तो वे राजा के लड़का जो होते थे, दशरथ पुत्र या सभी घर घर जाके मांगते थे और लाते थे और खाते थे। तो शिक्षा का उद्देश्य चारित्रिक विकास होता है। आपको लगता होगा कि नहीं, जो पढ़ाई और अच्छा अंक और अच्छी नौकरी पा लेना ही शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य एक नैतिकवान व्यक्तित्व का निर्माण करना, नैतिकवान, जिस व्यक्ति में नैतिकता हो, जिस व्यक्ति में मानवता हो, उद्देश्य शिक्षा का यह है। शिक्षा का उद्देश्य मानवता का विकास करना है, नैतिकता का विकास करना है, जो इन दिनों जिसका अवमूल्यन होता जा रहा है। हम देख रहे हैं, हम लोग अपने रास्ते से भटक रहे हैं। आज गुरु का दिन है, गुरु को आदर करना है, गुरु को दुखी नहीं करना है। आप प्रसन्न रहे, साथ साथ आपके गुरु भी प्रसन्न रहे और आपको आशीर्वाद दें। आशीर्वाद कितना फलता है गुरु का, वो आप अपने जीवन महसूस करेंगे। हम लोग महसूस किया है, अपने महसूस को आपको शेयर कर रहे हैं कि गुरु जो बोल दिया तो हो गया। आपको जो बोल देगा, मैंने कई बार आपको याद दिया होगा कि एग्जाम देने बच्चे आते थे, तो एग्जाम देने पर सदगुण सचेत रहेंगे तो निश्चित रूप से ऊपर वाले से आपका आशीर्वाद मिलेगा। तो हम लोगों को आप लोगों को आज ये सफल देना चाहिए, संकल्प देना चाहिए कि हम सही रास्ते पर चलेंगे, सही मार्गों का अनुसरण करेंगे। शिक्षक जो करे मत करिए, शिक्षक जो कहे वो करिए। बहुत लोग देखते हैं कि कुछ हम लोग भी मानव है, कुछ दुर्गुण हमें है। ऐसा नहीं कि हम दुर्गुण से मुक्त हैं, दुर्गुण है तभी तो हम मानव है, तभी तो धरती पर हम है। जिस दिन दुर्गुण मुक्त हो जाएंगे, अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। तो दुर्गुण तो है, लेकिन आप हमारे दुर्गुण को मत लें, आप हमारे अवगुणों को मत लें, आप मेरे गुणों को लें, यह मेरा है। दूसरी बात, जो व्यवसायीकरण हो रहा है शिक्षा का, जिससे गुरु अपनी प्रतिष्ठा या महत्व खोते जा रहे हैं। आज हम देखते हैं कि बच्चे जो पास कर रहे हैं, रास्ते से गुजरेंगे सुंदर घुमाने चले जाते हैं। मुझे वो छात्र का अफसोस नहीं होता है, होता है। अरे हो कितना पानी बजा रहा है, तो बजाए जरा, बजाए जरा। अपने आप पर कि हमने इसको क्या तालीम दिया, हमने इसको क्या संस्कार दिया। मुझे तकलीफ होती है, दुख होता है,
बच्चे बच्चे नहीं, क्योंकि हम संस्कार तो हमने दिया, आपके जो कुछ दुर्गुण है या इसमें माता पिता और शिक्षक का गुण भी उन्हीं का आया है, दुर्गुण भी उन्हीं का आया है, तो हम लोगों में जो दुर्गुण है वो भी ट्रांसफर हो जाता है, ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाता है बच्चों में। इसलिए मैं आज के दिन अपने शिक्षकों से अनुरोध करूंगा कि एक मॉडल ग्रुप के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करें। आप एक व्यक्ति नहीं है, आप एक गुरु हैं, जिसे व्यक्ति हमारे बच्चे स्वतः उसको अपने आप आत्मसात कर लेते हैं, अपने व्यक्तित्व में आत्मसात कर लेते हैं, उसका अनुसरण करने लगते हैं बिना सोचे समझे। बिना सोचे समझे हमारे बच्चे गुरु के व्यवहार का अनुसरण करने लगते हैं। इसलिए हम अपने व्यवहार पर हमेशा ध्यान रखें कि हम क्या कर रहे हैं, एज ए टीचर हम क्या कर रहे हैं। तो आज के दिन हमको चाहिए, और जो भी इस दिशा में है जो विद्युत हो जाए, ठीक है, मेरी रोजी रोटी है, शिक्षा मेरी रोजी रोटी है, लेकिन रोजी रोटी सेकेंडरी है। पहला उद्देश्य हमें अपने बच्चों को ज्ञान देना है, अंधकार से प्रकाश की ओर लाना है, पहला उद्देश्य हमारा यही है। इसी इस काम में हम लगे हुए हैं, और यही वजह है कि गुरु पूजे जाते हैं, हर जगह पूजे जाते हैं। थैंक यू भैया।